अरे एक मिनट हट जाओ यार, पीछे के लेना तुम लोग आराम से। बैठ जाइए आराम से। चलो चलना है।
सबको सबको देंगे हम लोग आए इंटरव्यू देने के लिए। शांति शांति वो भी पी लेना हमेशा। आज हम गाना लॉन्च होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? और नीचे नीचे एक्चुअली मेरे लिए भी सरप्राइज है। आज सुशी ने शामक के साथ, आज सुशी हमारे डायरेक्टर जो है सुशी गणेश, उन्होंने डिसाइड किया शामक के साथ कि आज वो अमीशा और मुझे दोनों को भी एक सरप्राइज देने वाले हैं। कुछ 90 सेकंड का बनाया है कुछ, तो आज अमीशा और मैं भी पहली बार देखेंगे। वो हमारे सब फिल्म के गाने हैं ऑलरेडी जो एयर पे है। आप कोको कोला गाना जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और सबसे खूबसूरत गाना फिल्म का जो मेरा फेवरेट है, मैं गाने में नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट है खाले सलाम दुआ। बहुत अच्छे से गाती है एक बार इतना रोमांटिक गाना है कि जब मैं सुनती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरा गाना जैसे आप पोस्टर पे देख रहे हो गन वन है, तो मेरा गाना एकदम गैंगस्टर वाला गाना है जो अमीशा पटेल के लिए बहुत नया है। और नील और मैं ये फिल्म के दोनों हीरो है, आप कह सकते हो हीरो हीरो नहीं, हम लोग दोनों हीरो हैं। तो ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कहूँगी कि अगर मैंने एक फिल्म की थी हमराज जो ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई थी, तो ये प्लॉट लेवल पे हमराज का बाप है। तो यू नो आई जस्ट होप कि लोगों को भी ऐसे पसंद आए और लोग खुश रहे देखने के लिए। वेल फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्ले अ वेरी नेगेटिव ग्रे कैरेक्टर, दो आई एम नॉट एक्चुअली सो बैड, लेकिन लेकिन नील जो है इतना हरामी है फिल्म में, इतना हरामी है कि वो मुझे हरामीपन पे निकाल ही देता है कि बोलते कमीना बोल सकते हैं कमीना हरामी टपोरी, उसको हर चीज़ शॉर्टकट से चाहिए। तो वो एक मेरी एक सीक्रेट जानता है, जो अगर ये सीक्रेट निकल जाए न्यूज़ में तो मेरा परिवार डिस्ट्रॉय हो सकता है, मेरी शादी डिस्ट्रॉय हो सकती है, मेरे हस्बैंड जो एक बहुत ही रईस मुकेश अंबानी काइंड ऑफ कैरेक्टर है उनका पूरा रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। तो इसको लेके नील मुझे तड़पाता रहता है और हमारे बीच में ये कैट और माउस गेम रहती है कि कौन किसको आगे करेगा। एक वक्त आके लगता है कि नील मुझे चेकमेट कर लेगा और मैं उसे चेकमेट कर लेती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बाजी जीत चुकी हूँ, लेकिन नील एक ऐसा कदम उठाता है कि मैं बाजी एकदम पलट दे, वो बाजी एकदम पलट देता है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉटी क्वेस्ट। देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एट रोमांस, ट्रस्ट मी, और यू गेट लेफ्ट अलोन। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले कुछ सालों से मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट की खोज में था जो मुझे जॉनी गद्दार के एक कदम आगे बढ़ा सके। अब बहुत अरसे से खोज थी, फिर मेरी मुलाकात हुई सुशी गणेशन से, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, ये स्क्रिप्ट सुनाई, और तब मुझे लगा कि अब मुझे मौका मिला है कि जॉनी गद्दार को अगर आगे बढ़ाना है तो ये एक फिल्म ऐसी है शॉर्टकट रोमियो, जिससे मैं शायद जॉनी के उस रूप और अंदाज को थोड़ा आगे और बढ़ा सकता हूँ। मगर जी हाँ, बहुत ही अच्छे बड़े पैमाने पे सुशी गणेशन, नील की ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। नील बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और फॉरेन लगता है, तो उसको टपोरी दिखाना, एक एकदम कमीना इंसान दिखाना, एकदम रगेड, बहुत मुश्किल काम था। और इस पर नील और सुशी जी ने इतनी मेहनत की है कि जब मैंने फिल्म देखी डबिंग के वक्त, मैंने बोला वाओ मुझे ऐसा हीरो चाहिए। नील ऐसे जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे अमीशा ने पहले कहा कि हमारा जो गाना है मैं शोला तू कोका कोला और जो एक्शन उसके साथ है बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक्चुअली लोगों को मैं सच अगर कहूँ तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। जब शॉर्टकट रोमियो अगर आप कहते हैं तो लगता है कि कोई रोड साइड रोमियो जैसा कोई एक लव स्टोरी आ रही होगी या कुछ, तो उन्हें कोई ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कहानी है क्या, ये फिल्म कैसी है। तो जाहिर बात है कि जब आपके सामने अब एक्शन ड्रामा डांस सब आ रहा है तो अब लोग ये उठ के बैठ रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा ये कौन सी फिल्म है। आप प्यार चुनेंगे या पैसा अगर चुनना हो तो? मेरे ख्याल से अगर प्यार ज़िंदगी में हो तो आदमी को थोड़ा एक वो मोटिवेशन मिल जाता है पैसा कमाने में, मगर पैसा अगर है
तो प्यार ऑटोमेटिकली खींच के आता है ना। नहीं, जब पैसा होता है तो गलत तरीके का प्यार आता है, क्योंकि लोग आपके पैसे के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपके पास सच्चा प्यार हो तो आप मेहनत करोगे, आप कोशिश करोगे कि वो प्यार को खुश रखने के लिए आप सही तरह से पैसा कमाओगे, और एक जोश आ जाता है इंसान में कि मेरे पास प्यार है, अब मुझे लाइफ में तरक्की चाहिए, सक्सेस चाहिए, क्योंकि मुझे अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना है। नीलम का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है प्रोमो के, अगर इंडस्ट्री की बात करें जाए तो पीपल आर लाइकिंग इट? देखिए, मैंने एक कॉम्प्लीमेंट सुना है जो मैं लव्स इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जी फाड़ू प्रोमो शॉर्टकट रोमियो का नीर इज जी फाड़ू इन द फिल्म। साथ में यानी अमीषा पूजा सबके बारे में, लुक्स के बारे में तो लोग कहते ही हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हैं दोनों।